मैं डॉक्टर संजय उगे मुगे कान नाक गला एवं नाक तथा कैंसर सर्जन हूँ और मैं नागपुर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 35 सालों से मेरे को लंबर स्पॉन्डिलोसिस और लंबर L4 L5 के डिस्क की तकलीफ थी। उसको इतने साल से मैं अपनी दर्द को पीड़ा को सहते आ रहा था। उसी प्रकार पिछले 2 साल से मुझे सर्वाइकल कॉर्ड की भी कुछ इश्यू हो गई थी, जो हमारे प्रोफेशनल के हजार्ड्स कहते हैं। उसके वजह से मेरे दोनों हाथों में की उंगलियों में बहुत सारी जलन होती थी, बहुत सारी झुनझुनाहट होती थी और बहुत अनबेयरेबल पेन होता था। साथ में ही मेरे दोनों घुटने में बहुत तकलीफ थी कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ उतर पाता था। डॉक्टर पाराशर जी के बारे में हमें मधुकर जी भावे के व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए पोस्ट से पता चला। वैसे ही साथ में हमारे नागपुर के पूर्व मंत्री श्री विलास मुत्तेमवार जी की भी पोस्ट पड़ी। भावे साहब हमें मुंबई से यहाँ लेके आए और यहाँ हमें डॉक्टर साहब से मिलाया। उन्होंने जैसे ही पहले दिन हमारे सर्वाइकल ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर हाथ फैलाने से इस प्रकार से ऐसा लगा कि अभी ये दर्द बहुत कम हो रहा है। पिछले 6 दिनों से हम यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेरा गर्दन का दर्द, मेरा पीठ का दर्द, मेरा कमर का दर्द और घुटने का दर्द, इसमें कम से कम 95% मुझे रिलीफ मिली। जो हमारी खुद की एलोपैथी, मैं तो सर्जन हूँ, मैं 25 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बहुत सारी MRI हुए, बहुत सारा ट्रैक्शन हुआ, बहुत सारी फिजियोथेरेपी हुई, बहुत सारे उपाय करने के बाद में और बहुत सारे मेडिसिन जिसके वजह से जिसका साइड इफ़ेक्ट मुझे हो रहा, यहाँ मुझे ना कोई गोली लेने का काम पड़ा, ना कोई एक्सरे करने का काम पड़ा। आपके डॉक्टर साहब का जो स्पर्श है, ये जादुई स्पर्श है। उनके 2 अंगूठे से उन्होंने मेरा पहले ही सीटिंग में गर्दन के वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था वो मेरा पूरा दर्द निकल गया और बाद में 5-6 दिन में फिजियोथेरापी और पंचकर्मा ट्रीटमेंट से मुझे 90% पेन रिलीफ मिला है। तो मेरा तो यही मानना है कि सारे तीरथ बार बार, लेकिन डॉक्टर गोवर्धन पाराशर जी के 2 अंगूठे से जो दर्द निवारण, वो सिर्फ एक ही बार होता है। साथ में उनके बड़े बेटे गिरिराज जी, डॉक्टर हेमंत जी, नंदू भैया और यहाँ के सभी लोगों का एकदम डाउन टू अर्थ व्यवहार सबके साथ है। मेरी मैक्सिमम ट्रीटमेंट डॉक्टर हेमंत ने की। यहाँ की व्यवस्था एकदम प्रोफेशनली रन, वेल मैनेज सिस्टम है। इतने सारे लोग अपने दर्द ले के यहाँ आते हैं, हंसते खेलते यहाँ से चले जाते हैं। मैंने अभी मेरी आने वाले लाइफ में, मैं तो सेवा के भाव में हूँ, मैं वहाँ एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी चलाता हूँ नागपुर के बगल में, वहाँ उसमें एक चैरिटेबल हॉस्पिटल और गौशाला और अभी एक निसर्गोपचार केंद्र भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी आने वाली पूरी ज़िंदगी लोगों का दर्द निवारण करने के लिए समर्पित कर रहा हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। और डॉक्टर साहब से भी हमने बात किया, डॉक्टर साहब नागपुर आएंगे, कैंप करेंगे और उनके और हमारे लोगों के सबके माध्यम से अभी आने वाले दिनों में जितना अपने से पॉसिबल है उतना सेवा का कार्य और करते, लोगों का दर्द निवारण करना ही अपना जिंदगी का मकसद है, ऐसा मेरा मानना है।